क्या बात है, भाभी, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं। देखिए, पहले सब लोग कैरन के अगेंस्ट थे, राइट? उनकी एक लॉजिक थी। आज हमने उन्हें मना तो लिया है, मगर क्या उनकी लॉजिक को गलत साबित किया है? कहते थे ना सब कि इस घर का तौर तरीका है, एक हमारे समाज वाली लड़की होगी तो फिर हैंडल कर पाएगी, जैसे आपने किया है। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता हूं। अब मेरी जिद पूरी करने के लिए पूरे घर में टेंशन भर दूं? ये मुझसे नहीं होगा। व्हाट डू यू से? ये वही लड़की है ना? तुम हो क्या वीरेन? हाँ, तुमने हम सबका जीना हराम कर दिया था इस शादी के लिए, और अब जब सब कुछ फिक्स हो गया है तो कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अदिति चाहिए? तुम्हें कोई मेंटल बीमारी है क्या? भाभी, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी। ये सब करते हुए मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाभी, अदिति बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी, मैं जानता हूं। नहीं वीरेन, वो मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगी मुझे ये धोखा याद आएगा जो आज तुमने मुझे दिया है। विरेन, कहाँ हो तुम? विरेन, विरेन, तुम सही कहती थी, ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने दे कहती थी, मगर रहना किसे इस दुनिया में? हाँ, ये क्या है? ओ, ये वो है, अदिति लड़की को अपना कमरा दिखाओ। आई सी, मुझे भी ये कमरा दिखाया गया था। हाय वीरेन। इधर है। अंदर है साहब। कौन? अदिति, मैं सब छोड़ के आया, घर, माँ बाप, सब। मुझे उनके और तुम्हारे बीच किसी एक को चुना था, मैंने तुम्हें चुना है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते अदिति, हम दोनों अडल्ट हैं, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं सब संभाल लूंगा। अदिति, तुम जानती हो कि सच क्या है। अदिति, तुम बस मेरे साथ चलो, और किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। एक मिनट, छोड़ो इसे। वीरेन, यह महेश, मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने बताया था ना, मैं बालकनी से कूद कर जाती थी, ये वही है। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब क्लियर है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना, हार मत मानो। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलो वीरेन। बकवास मत करो। देखो, ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यहाँ गलती मत करना। मैंने फैसला कर लिया है वीरेन। लिसन टू मी, विल यू? मैंने फैसला कर लिया है वीरेन, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, समझ रहे हो तुम? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। ले जाओ उसे।
ये सब क्या है? हमारा पागल है यार, कई दिनों से इसने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। नो प्रॉब्लम, आज के बाद इसका टंटा ही खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। अभी कम से कम 25 शादियां करवा चुका हूँ जी। चावला के काम में कभी कोई नहीं, नहीं, नहीं हो जाएगा जी। ऐसी कोई बात नहीं। उधर ले जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबेरॉय। आप तो बड़ी बातें करते थे अपने लड़के के बारे में कि आपको उस पर कितना भरोसा है वगैरह, मगर आज जब मेरी भांजी को देखने लड़के वाले आए हुए हैं तो आपका वही बेटा चोरों की तरह मेरी भांजी के कमरे में घुस आया। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आपके बेटे के साथ क्या करूं, इसको पुलिस में दे दूं, इसके हाथ पांव तोड़वा दूं। तो मैंने सोचा कि आप तो बड़े सयाने हैं, आप ही से पूछते हैं। नहीं मल्होत्रा साहब, मेरी राय मत लीजिए। आज तो ये साबित हो ही गया कि मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। वो आपका गुनहगार है, आप जो चाहे कर सकते हैं उसके साथ। और जहां तक मेरा सवाल है, आज से उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या करना है इसका? पापा मेरी नजर से तो इसे दूरी कर दो, वन में पता नहीं क्या कर जाऊंगा। इसे जो सुनना था आदित्य ने इसे कह दिया ना, फुल एंड फाइनल। बोल रहे हैं। अच्छा, जो स्पीक टू यू, मिलने भी गई थी मैं तुमसे, यू सॉ मी और तुम भाग गए। क्यों विंसी, कहां गए थे तुम? विंसी, क्या हो गया तुम्हें? हां, कल रात से मालूम है क्या हालत है मेरी? प्लीज विंसी, इतना हिम्मत है तुम्हारे में? पापा यू गो इनसाइड, यू गो इनसाइड। इसको मैं देखता हूं ना, प्लीज। ये सामने आया है ना, आई स्वेयर अब ये अपने पैर से चल के वापस नहीं जाएगा। लिसन टू मी विंसी, विरेन लेट हिम गो। जान से मार दूंगा इसे, आई किल द रास्कल। नथिंग इज लॉस्ट, ओके? लेट गो। तुम हो यहां, मैं हूं यहां पे, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल राइट, मैं डैडी से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे। बिलीव मी, वो मान जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हां विरेन, हां। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं कैरन, मुझे मालूम है कि अगर मैं हां कह दूंगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा, पर वो झूठ होगा। मैं क्या करूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। I'm sorry. मैंने जो आप लोगों के साथ किया बहुत बुरा किया, पर जो मैंने ऑलरेडी कर दिया वो मैं कैसे बदलूं? तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, आपको जैसा लगे आप मेरे साथ कर सकते हैं। विंसी, स्टॉप इट।
गुड मॉर्निंग डैड। मैं हमेशा आपसे डरता रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे नहीं डर रहा। अफसोस हो रहा है मुझे आपके ऊपर कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला। आप हमेशा मुझे समझाते रहे ना, लेकिन मैं कभी समझा नहीं। और कल पहली बार मैं एक दिन में सब समझ गया। मैंने जो किया, एनीवेज सब खत्म हो गया, ठीक हुआ। ऐसे होना चाहिए था मेरे साथ, मगर जो आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। आपको जो बोला गया मेरी वजह से, यू डोंट डिजर्व दैट। I'm sorry. मैं जहां भी जाऊंगा कोशिश करूंगा कि अपने आप को बदल लूं। इतना ही कहना था। सुनो, इधर देखो, तू मेरा बेटा है। I love you, my son. थके हूँ मेरे डैड, झूठ बोलते बोलते, जिम्मेदारियों से भागते भागते, पता नहीं ऐसे क्यों मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहता था, मगर नहीं बन पाया। चलो अंदर चलो, आइए रेडी। भाभी जसवंत सिंह गाड़ी अंदर ले लो, चलो। सॉरी। चलो।